जय श्री कृष्णा दोस्तों, जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसकी मनोकामना कृष्ण भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। उस मंदिर में बहुत बड़ी लाइन लगी थी। लाइन में गरीब से लेकर अमीर हर कोई खड़ा था। इस लाइन में समाज का हर वर्ग का व्यक्ति था। कोई मजदूर था तो कोई मालिक, तो कोई डॉक्टर था तो कोई मरीज था। सभी को सबसे पहले कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाइन में खड़े हर व्यक्ति का धीरज जवाब देता जा रहा था। सब एक दूसरे को धक्का मारने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे। हर किसी के पास कोई ना कोई कारण था कि क्यों ना उसे ही पहले कृष्ण भगवान के दर्शन करने दिया जाए और उसे ही सबसे पहला मौका भगवान की पूजा करने को मिले। जब स्थिति काबू से बाहर होने लगी तो मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित बाहर आकर ऐलान किया कि कृष्ण भगवान का सबसे पसंदीदा चढ़ावा जिसके पास हो वह सबसे पहले जाकर भगवान की पूजा कर सकता है। जिस भीड़ में कोई भी एक दूसरे की आवाज भी ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, वहां शोरगुल जैसे एकदम चुपचाप होकर सन्नाटा सा छा गया। सब यह सच में पड़ गए कि भगवान का सबसे पसंदीदा चढ़ावा क्या हो सकता है। किसी ने कहा मैं बर्फी लाया हूं, तो किसी ने कहा मैं माखन लाया हूं, किसी ने कहा मैं इमरती लाया हूं। सब ने तरह तरह के पकवानों के नाम लिए और पुरोहित से पूछा कि क्या यह भगवान का पसंदीदा चढ़ावा है। हर बार पंडित जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि इनमें से कोई भी चढ़ावा भगवान का पसंदीदा चढ़ावा नहीं है। इस भीड़ में एक नेताजी भी खड़े थे और आगे आकर बोले कि पंडित जी, भगवान का पसंदीदा चढ़ावा कौन सा है, मुझे बताइए, मैं उसे ही लाकर चढ़ा दूंगा। तभी पंडित जी मुस्कुराए और सभी से कहा कि भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है अहंकार का चढ़ावा। जो भी अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हो वह सबसे पहले आगे आए और भगवान को श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। और कोई अहंकार भी अर्पण करने के लिए तैयार ना हो तो उसका छोटा भाई क्रोध भी कृष्ण भगवान को उतना ही पसंद है। भरी सभा में सन्नाटा सा छा गया, ना कोई बोला ना कोई आगे आया। हर एक इंसान जो पहले आगे जाने के लिए लड़ रहे थे वह अब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी पंडित जी बोले, कोई भाई आगे आओ। अरे भाई, उसे घमंड कहो या ईगो कहो या अहंकार, सभी को पता है कि यह उनके दुश्मन है, लेकिन इस दुश्मन से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। जब इस दुश्मन को ठेस पहुंचती है तब उसका छोटा भाई गुस्सा आगे आ जाता है और कहता है कि मैं देखता हूं किसने मेरे भाई को हानि पहुंचाई है, मैं उसको सीधा करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज से निश्चय करो कि आज से जब भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाओ तो चाहे आप फूल, नारियल या पकवान ले जाओ या ना ले जाओ, परंतु अहंकार और गुस्सा ले जाना और भगवान के चरणों में अर्पित कर देना।